हेलो मेरे प्यारे दोस्त यार, हम आ चुके हैं एक और दमदार गेम प्ले लेकर। और आज हम करने वाले रॉब्लॉक्स की दुनिया में पेट सिमुलेटर। और भैया मेरा पेट कौन सा है? मुन्ना मेरा पेट देख रहा है। ए भैया मुझे फ्री में ये कौन सा पेट मिला यार? और यहाँ पे सिटिंग का दे रखा, ये मेरे ख्याल से रकून है क्या? भैया मेरे पास जो रकून है और दोस्त यार रकून है, तो यार यहाँ पे करना क्या है? सिंपली जो आपको ये यार मेटल दिख रहा है, पता नहीं गोल्ड है, इनको माइन करना है ऐसे मस्त तरीके से। जितना ज्यादा ये माइन करेंगे उतना ज्यादा अपन को मिलेगा कैश और कॉइन्स मिलेगा, जिससे अपन नए नए एनिमल्स बाय कर सकते हैं। फिलहाल ये डोंकी मिला मुझे, मेरे पास दो एनिमल्स हो चुके हैं जो फ्री मिला था, और यहाँ पे एक और मिला। टोटल में अभी 4 एनिमल्स इक्विप कर सकते हो एक बार में, क्योंकि वहाँ पे 4 स्लॉट खाली है। और मेरे पास 2 एनिमल्स हो चुके हैं। तो दोस्तों यार इसके अंदर जितने ज्यादा एनिमल्स होंगे उतने जल्दी आपकी अर्निंग होगी। और मेरा अर्निंग रेट चल रहा है 54 सेकेंड, मतलब 54 पर सेकेंड पे मेरी अर्निंग चल रही है। मुझे इसको गेन करना, फिलहाल मेरा डॉलर देख रहे हो कैसे, डॉलर नहीं यार गोल्ड कॉइन्स कितनी जल्दी गेन कर रहा है। और भैया के पास अलग तरीके के पैट है, और यहाँ पे मेरे ये काम पे लग चुके, और मैं भी कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं इसको ऑटो पे छोड़ दूंगा तो यार उससे भी कलेक्ट होगा, लेकिन मैं मैन्युअली कलेक्ट कर रहा हूँ फिलहाल तो। और मैं यार कुछ सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे पैट बाय करने का ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ये मुझे कहाँ से मिला? अरे यार एंग्री डायनो मुझे यार यहाँ से मस्त मिल गया, इसको भी इक्विप कर लेते हैं। और इनका डैमेज तो टोटल सबका सेम ही है, जो कि ये डैमेज इनका 10-10 का ही है। तो यहाँ पे सारे एनिमल्स एक बराबर हैं फिलहाल तो, ये मतलब कॉमन है इसीलिए। मुझे लग रहा भैया क्या कर रहे हो यार तुम वहाँ पे? वाह मुन्ना मैं सोच रहा था ये दोस्तों दे रहो कॉमन एग बाय करने के लिए मुझे 7500 यार कॉइन्स की जरूरत है। फिलहाल मेरे को जल्दी जल्दी से अपने पास करने पड़ेंगे, फिर मैं कॉमन एग से वहां से बाय करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे बाय करना है। फिलहाल मेरे पास 4000 कुछ यार है अभी, फटाफट से मुझे जल्दी जल्दी कलेक्ट करता हूँ, मुझे 7000 करने टोटल ताकि मैं वो वाला पैड बाय कर सकूँ। फिलहाल ये देखो देखो यहाँ पे 3 मैंने पैड पिक कर रखे हैं, मुझे 4 पैड चाहिए। और नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए यार जो कंडीशन है वो मुझे 15 पैट्स चाहिए। टोटल जब मेरे पास 15 पैट्स होंगे तब मैं जाके नेक्स्ट स्टेज में एंट्री ले सकता हूँ। अभी तो एंट्री मतलब कि रुकी है, स्टॉप है। और दोस्तों 15 पैट्स में भी कंडीशन ये है कि आपको अलग अलग कैटेगरी के 15 पैट्स होने चाहिए। एक कैटेगरी के जैसे आपको बाय करने पे मिल जाते हैं तो यार वो काउंट नहीं होंगे। तो मतलब 50 टाइप्स के पैट मुझे चाहिए होंगे मेरे पास, तब जाके नेक्स्ट स्टेज खुलेगा। और जल्दी से मेरे पास हो चुके 7500 प्लस मे कॉइन, और मैं बाय करने वाला अपना नया पैट यार। वाह मुन्ना तो बाय कर तेरे पास हो चुका है। ए भैया रुको ना, बाय कर रहा हूँ। फिलहाल दोस्तों अपन बाय करने वाले 7500 का एक पैट, लेकिन उससे पहले थोड़ी करनी कर लेते। मेरे पास एक डायनो और एक यार रकून है और एक डोंकी है। अभी तो फिलहाल मेरे को नाम याद हो जा रहे मेरे पैट के, लेकिन आगे चल के नाम भी याद नहीं होने वाले। और ये एक नया पैट मिला यार, इस पैट को भी कर लेते हैं। अबे मेरे पे टोटल 4 हो चुके पैट और सारे मतलब स्लॉट भी भर गए। जैसे जैसे मैं स्टेज क्रॉस करूंगा ऐसे मेरे ये स्लॉट जितने सब अनलॉक होते जाएंगे, मतलब मैं एक बार में ज्यादा ज्यादा पैट होल्ड कर पाऊंगा। और यहाँ पे फ्यूज का भी ऑप्शन है, मतलब कि मैं पैट को मिला के एक न्यू ब्रीड का पैट बना सकता हूँ, जो कि कमाल का होने वाला। फिलहाल मुझे 15 पैट्स तो करने पड़ेंगे ताकि मैं इस स्टेज को अनलॉक कर पाऊँ और आगे जा पाऊँ, ताकि यार मुझे और भी आगे नई तरह के पैट्स देखने को मिल जाए। तो दोस्तों यार मुझे काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद मेरे पास 15 पैट्स हो चुके हैं और ये देखो। और मैं ऐसे फ्यूज करने वाला, मतलब 5 पैट को मिला के मैं एक पैट बना सकता हूँ। और फिलहाल मैं नई ब्रीड का पैट बनाया मैंने, और ये देखो रखते हो। और मेरे पास टोटल यार वैसे 16 पैट है लॉबी में, मुझे चाहिए तो 15 थे। और दोस्तों यार जब मैं इनको फ्यूज करता हूँ तो ये मर्ज हो जाते हैं एक में, तो फ्यूज होने के बाद भी यार काउंटिंग खत्म नहीं होती, आपका काउंट वैसा का वैसे ही पड़ा रहेगा। तो इसकी कोई टेंशन नहीं है कि यार गेम में मतलब कि काउंट कम कर दे, क्योंकि हम 5 का एक बना देंगे तो उससे काउंटिंग कम हो, मतलब कम हो जाए, इसमें नहीं होगी। फिलहाल फ्यूज करके मस्त तरीके से अपन की यार जो मुझे यूज में नहीं आ रहे पैट को उनको यार मस्त तरीके मर्ज करके एक डायनेमिक बना रहा हूँ, जो कि यार ये दिख रहे ग्रीन कलर के बॉक्स में, ये अनकॉमन पैट है और मुझे डैमेज रेट भी काफी अच्छा दे रहे। फिलहाल मुझे फ्यूज से मैंने काफी ज्यादा पैट भी कर लिए और मुझे चलना चाहिए नेक्स्ट स्टेज में। और मैं पहुंचने वाला हूँ। भैया पहले ही जा चुके हो क्या मेरे से? हाँ भैया पहले ही आ गए क्या?
मुन्ना तू टेंशन मत ले, पहले थे यहाँ पर। ए भैया पहले आ चुके और ये वाला स्टोन माइन करेंगे जो कि ब्लू कलर का, और यहाँ पे अपन को ज्यादा से ज्यादा अर्निंग भी होगी फास्ट, और काफी ज्यादा पैड भी नए तरीके के ब्रीड के मिलेंगे, और शायद से मुझे नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए कम से कम 40 पैड्स चाहिए होंगे जो कि यार न्यू ब्रीड के होने चाहिए। तो अभी मेरे पे करंट में 17 पैड्स है, तो मुझे टोटल और कितने चाहिए, 23 पैड्स मुझे और चाहिए, और मतलब कि मुझे नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए। तो दोस्तों यार अभी टोटल मेरे पास टोटल 4 पैड्स काम पे लगे हुए हैं जो कि अनकॉमन है क्योंकि मैंने उनके फ्यूज कर दिया था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये देखो मेरे पास टोटल 4 ऐसे पैड्स हैं जिनको मैंने फ्यूज करके बनाया है, और वो अनकॉमन है, उनका डैमेज रेट भी पहले से ज्यादा है। 21 का पहले 10 था जो कि कॉमन कैटेगरी के थे, और उसके बाद अनकॉमन है, अनकॉमन के बाद पता नहीं कौन सी कैटेगरी आएगी वो देखना पड़ेगा। फिलहाल तो मुझे यार कलेक्ट करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी से कलेक्ट करते हो, यहाँ पे ज्यादा अर्निंग हो रही वैसे। और 22 हो चुका है और मुझे चाहिए 14 पैड्स, तो यार काफी ज्यादा टाइम लगेगा, और सामने वाला जो कि स्टोन है वो पर्पल कलर का है, तो आगे निकलना पड़ेगा मुझे। ओए मुन्ना मैं तो फुल मेहनत कर रहा हूँ। ए भैया मुझे ये झोपड़ी दिखी, इसके अंदर एक अंडा दिखा हट के अंदर, ये झोपड़ी के अंदर से अंडा लेकर आता हूँ, और अंडे के अंदर से एक न्यू पेट मिला हो, लेकिन ये ऑलरेडी मेरे पास है, इसलिए दोस्तों आप नोटिस करोगे तो मेरा 17 का 17 ही पड़ा हुआ है क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास वो पेट है, तो इसीलिए वो काउंट नहीं हुआ। अभी यहाँ पे मैं देखो यार एक स्लॉट मैंने बाय कर लिया, मैं टोटल 5 यहाँ पे वो कर सकता हूँ इक्विप। अब मेरे पास टोटल 5 पैट होंगे, तो मेरी अर्निंग रेट देख सकते हो कितना ज़्यादा चल रहा है, 174 मेरा अर्निंग रेट चल रहा है जो कि मैंने स्टार्ट करा था 0 से, और पहले स्टेज में तो 54 अराउंड चल रहा था, अब यहाँ पे यार डबल ट्रिपल हो चुका है अर्निंग रेट, और यार मैं इसी के साथ ज़्यादा एग भी होल्ड कर पाऊंगा, और ये देखते एग मुझे मिला। हाँ ये देखो दोस्तों, इसी तरीके से मुझे ज़्यादा ज़्यादा एग चाहिए, और 14 एग्स तक मैं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने वाला हूँ, और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद मेरे पास 39 पैड्स हो चुके हैं टोटल, और ये देखो पेड़ के ऊपर भी अंडा रखा था, ये मैंने बाद में नोटिस करा। अरे यार 39 पैड्स में से मुझे एक नई ब्रीड का पैड चाहिए, और मुझे पता है कि वो न्यू ब्रीड का पैड मुझे कैसे मिलेगा, मैं उसको फ्यूज़ करके भी बना सकता हूँ अगर ऐसे नहीं मिला, और बाय करने के लिए मेरे पे इतने ज़्यादा कॉइन्स भी नहीं है क्योंकि यार ज़्यादातर मुझे लगता है रिपीट करे हुए पैड्स मुझे ज़्यादा मिलते हैं बाय करने पे, फ्यूज़ करने में ज़्यादा बेनिफिट होता है। और ये देखते हैं कौन सा पैट मिला, अरे ये तो पहले ही मिला, तो ये डोंकी। और यहाँ पे दोस्तों मेरे पास हो चुके टोटल 14, क्योंकि अब मैं करता हूँ फ्यूज़, और मैंने फ्यूज़ कर करके यार देखो मस्त तरीके से फ्यूज़ करते हैं, नई ब्रीड का पैट मिलेगा जो कि अनकॉमन वाला होगा। ये अनकॉमन, ये तो पेंगुइन है भाई, पेंगुइन ले लिया। चलो चलते हैं, अभी मैं जा सकता हूँ नेक्स्ट स्टेज में जो कि डेजर्ट है। अभी मैं फॉरेस्ट में था, अब मैं जा रहा हूँ डेजर्ट के अंदर, डेजर्ट के अंदर पता नहीं कौन से ब्रीड के पैट देखने को मिलने वाले हैं। और मेरे सारे पैट भी आ चुके, कुछ मेरे पास बेबी ड्रैगन भी हैं, और यहाँ पे मुझे शर्ट के अंदर फिर से एक एग मिला फ्री में, और इसके अंदर से यार ये कैट मिली कुछ न्यू ब्रीड की, उसे मैंने कलर कर लिया, और यहाँ पे अनकॉमन एग में बाय कर सकता जो कि $35,000 का, बाप रे बाप, डॉलर 35,000 गोल्ड कॉइन्स का है जो कि यार काफी ज्यादा महंगा है एक पैड, यार ये तो डबल ही ट्रिपल रेट हो चुका है। फिलहाल कोई बात नहीं दोस्तों, अपन बाय करेंगे उसको भी। और ये देखो यार, अरे यार ये क्या मिला, ये इनविजिबल पैड है, दिख ही नहीं रहे तो कहाँ गया। और मुझे यार समझ में नहीं आ रहा इसके अटके पर, मुझे एक यार वहाँ पे एग दिखा भी, मैं उसके पर जाता हूँ एग के, अरे एक इसके पीछे भी मुझे एग मिल गया फ्री में, क्या बात है। इसके यार इस गेम के अंदर एग इधर उधर छुपा रखे यार, क्या बढ़िया है। और दोस्तों ये वाली गेम किसने खेली कमेंट में जरूर बताना, उसके पास टोटल कितने पैट्स है जरूर कमेंट में बताना। फिलहाल तो यार ये देखो मैं कितने ज़्यादा कलेक्ट कर रहा हूँ, और आगे चलते हैं, और मेरे पास यार अनकॉमन वाले टोटल 10 पैट्स हैं, और मुझे फ्यूज़ कर करके और भी ज़्यादा लेना, और मेरे पास एक रेयर है, रेयर रेयर जो कि आपको दिख रहा होगा सबसे नीचे, और ये रहा इसका डैमेज काफ़ी दमदार है। रेयर पैट पता मैंने कैसे बनाया है, मैंने अनकॉमन को भी फ्यूज़ करा है, अगर आप 5 अनकॉमन यूज़ करोगे तो उससे रेयर पैट बनता है, मतलब कि यार पहले कॉमन वाले को फ्यूज़ करो उससे बनेगा अनकॉमन वाला, फिर अनकॉमन वाले पैड को फ्यूज करके फिर उससे बनेगा रेयर वाला, तो रेयर के बाद मेरे ख्याल से इपिक होगा। और भैया ये कर क्या हो रहा यार, वाह मुन्ना ये स्टोन देख रहा कितना जायंट है। ए आई होप यार दोस्तों आपको समझ में आ चुका, और ये देखो भैया के पास ये जायंट स्टोन पता नहीं कहां से आ गया,
जो कि माइन करो। मैं भी अपने पैड को यार लेकर आ गया फॉरेस्ट में और यहाँ पे माइन पे मतलब लगा दिया और पैड माइन करो। यहाँ पे पता नहीं कुछ मिलने वाला लग रहा क्योंकि ऊपर सुपर क्रिस्टल का टाइम चल रहा है। वैसे मैं इसको स्टोन बोल रहा था, ये है क्रिस्टल। और यहाँ पे यार अपन एक पैड बाय करते हैं जब तक मेरे पैड माइन करे। और मुझे एक नया ब्रेड का पैड मिला पेंगोलिन करके, और वो हो चुका है मेरे पे टोटल 42 पैड्स हो चुके हैं। मुझे नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए 75 कैटेगरी के पैड्स चाहिए, मतलब कि टोटल बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है। और एक और स्लॉट बाय करने के लिए 1,00,000 कॉइन्स चाहिए होंगे, तो दोस्तों कलेक्ट करना पड़ेगा। और काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद दोस्तों यार अपन ने स्लॉट भी बाय कर लिया और अपन के पास 69 पैट्स हो चुके हैं। और टोटल इक्विपमेंट जो कि अपन की चल रही है 4, 5, 6 पैट की इक्विपमेंट चल रही है। अपन एक बार में 6 पैट्स होल्ड कर सकते हैं जो कि माइन करेंगे। और मेरे पास 69 पैट्स हो चुके हैं, मुझे चाहिए 75, मतलब कि 6 और चाहिए। फिलहाल मैं यहाँ पे बाय करता हूँ, मेरे पे $81,000 है, मतलब कि यार गोल्ड कॉइन्स है। और यहाँ पे देखते कौन सा मिलेगा, ऑटो हैच पे लगा दिया मैंने। ए यार कॉमन ही मिलता है, मतलब कि यार जो मेरे पे पहले से ऑलरेडी वो वाले पैट मुझे मिलते हैं, फिर मुझे बड़ा दुख लगता है क्योंकि यार $35,000 का है, इतना महंगा। अभी दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि इनको फ्यूज करके मुझे मिलेगा अनकॉमन वाला, नहीं अनकॉमन को फ्यूज करके रेयर वाला, इसको मैं करूँगा फ्यूज। अभी देखा ना आपने, मुझे एक रेयर मिला, ऐसे ही मैंने ढेर सारे रेयर करके मतलब फ्यूज करके कलेक्ट कर लिया। अब मैं रेयर को भी करने वाला फ्यूज, देखते कौन सा मिलेगा क्योंकि मेरे पास रेयर काफी ज्यादा हो चुके हैं। आप कुछ नया ट्राई करें और रेयर को भी फ्यूज करने की कोशिश करते हैं, देखते क्या मिलेगा। ये मैंने टोटल 5 पैट्स यूज करे और रेयर को यूज करके देखते इपिक मिलेगा। मैंने क्या बोला था, रेयर के बाद इपिक। अबे ये कौन सा पैट है भाई साहब, ये तो मॉन्स्टर आ गया। आप धीरे धीरे करके मतलब मॉन्स्टर आ रहे हैं, क्या बात है। आप मुझे जैसे जैसे मैं स्टेज आगे हो रहा हूँ वैसे पैट्स का मतलब चेंज हो रहा है, ये मॉन्स्टर पक्का। और कुछ तो मेरे पास मॉन्स्टर ही और कुछ मेरे पे सुपर एनिमल्स भी हैं। और स्टार्टिंग में तो मुझे रैबिट वेबिट मिल रहा था, आगे चल के शायद मुझे ड्रैगन वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैं अपने पैट बाय कर रहा हूँ, मेरे पास टोटल 71 हो चुके हैं। मुझे और चाहिए टोटल 4 और चाहिए मुझे ताकि मैं अगले स्टेज पे जा पाऊँ। तो यार 4 के लिए मुझे काफी ज्यादा टाइम तो देना पड़ेगा। और ये देखो कितना कमाल का हो रहा है, वाह मुन्ना मैं तो पीछे हूँ। ए भैया तुम पीछे रहोगे, और मैं भैया से काफी ज्यादा आ चुका और मेरे पास काफी ज्यादा डेंजर पैट्स भी हो चुके हैं। और यहाँ पे दोस्तों यार ये पैट्स कितने मजेदार क्यूट से लग रहे हैं, लेकिन आगे वाले जो मुझे पैट्स मिलेंगे वो क्यूट नहीं, वो खतरनाक दिखेंगे। और ये पेंगुलिन मुझे बार बार मिल रहा है और मेरे कॉइन्स को वेस्ट कर रहे हैं। ए कुछ नया तो मिल जाए, ये फाइनली यार मुझे नया सा दिखा और मेरा यहाँ पे चेंज हो चुका है। और दोस्तों मुझे ऐसे और भी पैट्स की जरूरत हो बढ़ने वाली है। ए यार मैं फ्यूज करता एक और मैं एक और रेयर बनाऊंगा। और ये कौन बना है रेयर पैट, क्या बात है, मेरे पे टोटल रेयर पैट तो एक ही है। अरे यार मैंने रेयर से मैंने हिपिक चुना, हिपिक मेरे पे एक है और मेरे पे टोटल 4 यार रेयर है। और यहाँ पे दोस्तों मेरे स्लॉट तो बढ़ चुका है, फिलहाल मैं स्लॉट में 6 मतलब कि पैट अपने होल्ड कर सकता हूँ, इक्विप कर सकता हूँ। और यहाँ पे जल्दी से कलेक्ट करते हैं और मुझे चाहिए 73 हो चुका है 2 पैट्स और नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। फिलहाल तो अभी जर्नी